और ये मेन्यू आप देख सकते हैं। और ये चावल मुर्गा दो पीस, सलाद मात्र 40 रुपये थाली। चावल मछली दो पीस, सलाद मात्र 40 रुपये थाली। ये सारा नॉन वेज है और ये सारा वेजिटेरियन है। और मात्र 15 रुपये में खाइए भर पेट खाना। देखिए अच्छा जी, आप लोग अमीर आदमी है, देख रहे कैसा है। ये लोग अमीर आदमी है, ये लोग 40 रुपये वाला खाना खाएंगे। अगर आपको भी लगी है जोड़ों की भूख और जेब में नहीं है ज्यादा पैसे, तो आ जाइए कारगिल चौक के पास और मात्र 15 रुपये में खाइए भर पेट खाना। तो आ जाइए भामाशाह भोजन सेवा केंद्र पटना में। और पटना में यहाँ पर आकर आप कई तरह के खाना का आनंद ले सकते हैं मात्र 15 रुपये। यहाँ पर कई लोग खाना भी खा रहे हैं, हम इन लोगों से बात करेंगे। पूरी तरह से खाना का यहाँ पर आनंद लिया जा रहा है। हम भी खा लें जी। अच्छा क्या खा रहे हैं भैया? मुर्गा, ये मुर्गा चावल है। मुर्गा चावल आज दिया जा रहा है। वाह, मात्र 15 रुपये में? नहीं, 40 रुपया। 40 रुपया तो यहाँ तो 15 रुपये लिखा हुआ है। 40 रुपया यहाँ लिखने से कुछ नहीं मिलता है, जो लिखा हुआ वो कुछ नहीं मिलता। 15 रुपया खाना अलग है और 40 रुपया खाना अलग है। अच्छा, यानी कि 40 रुपया में चिकन चावल दिया जा रहा है और 15 रुपये में ये क्या दिया जा रहा है? आपको चिकन खाने का मन? नहीं जी नहीं। आपको चिकन खाना? नहीं नहीं, चिकन नहीं, सादे खाने है, सादे खाने मटेरियल है, भुजिया उजिया कुछ। कैसा है टेस्ट? कैसा? कुछ नहीं, सही है, नमके नहीं है। सब्जी में झोल है, देखिए क्या हुआ सब्जी है। आपको तो मजा आ रहा है, सही है। लेकिन ये 40 रुपये वाला खाना है और इनका जो खाना है वो मात्र 15 रुपये का, धोयल सब्जी और चावल। हाँ, झोल खाली पानी दिया है और क्या दाल दिया है, तो इसमें नमके नहीं बुझा रहा है। और बस अचार है, है। मजा नहीं आया, चलेगा, लूटने वाले हैं लोग। देखिए मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी 15 रुपये का खाना मिल तो रहा है। 15 रुपये में तो आपको सिगरेट और गुटखा मिलता है। हम लोग कहाँ से पीते हैं 15 रुपये का सिगरेट और गुटखा? हम लोग के कहाँ से औकात है, हम लोग तो अपने रिक्शा चला चला। हाँ, तो भी यहाँ पे लाइन लगा हुआ है खाने का। हम जरा बात करते हैं कि 15 रुपये का खाना खाने आया है 40 रुपये का मटन चावल। अच्छा, 40 रुपये वाला खाना खाएंगे मटन चावल या 15 रुपये का दाल चावल? वो तो अपने पे निर्भर करता है। क्या खाना है जी? हमको तो मछली चावल खाना है। मछली चावल कितने का? 40 रुपया। अच्छा जी, आप लोग अमीर आदमी है, देख रहे कैसा। ये लोग अमीर आदमी है, लोग 40 रुपये वाला खाना खाएंगे। हम तो भाई गरीब है, हम भी खाएंगे तो 15 रुपये का ही खाएंगे। अच्छा, आप भैया क्या कौन सा खाना खा रहे? मछली चावल। मछली, यानी आप भी अमीर हैं। अच्छा, ये भी अमीर हैं। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी है, लेकिन बाहर लिखा हुआ है 15 रुपये का खाना, मात्र 15 रुपये। लेकिन 15 रुपये भी महंगा है, 15 रुपये भी महंगा। महंगा महंगा तो नहीं, सही है, सस्ता है, सही है। लेकिन पता है आपको 1 रुपया 5 रुपये में भी भर पेट खाना मिलता है? ऐसा नहीं ना होगा, ठीक तो दे रहा है। अभी बनाने का ना टाइम, कल कुछ मिलेगा, आज कुछ मिलेगा, परसों ऐसे दे देगा खाना। फिर आप क्या खाने आए? हम तो आए मछली खाने के लिए। मछली 40 रुपये? हाँ, कल 40 रुपये वाला खाने। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से आप व्यवस्था देख सकते हैं खाने का, बहुत अच्छा व्यवस्था करके रखा है इन्होंने। अचार है, दाल है, और ये सब्जी है ना, और ये चावल है। चावल तो खत्म हो गया लगता है, और आ रहा है क्या? सब है, तिलौरी भी है, लेकिन अभी आदमी कम रहने की वजह से सब खत्म हो गया। अंडा वंडा भी है? अंडा है, मछली है, मुर्गा है, सब है। चिकन का अलग रेट है और ये दाल चावल का अलग, क्यों? हाँ, चिकन का अलग रेट है, क्यों? यहाँ तो लिखा हुआ है 15 रुपये में फुल पेट सादा भोजन। हाँ, चिकन फिश हो गया आपको 40 रुपया, अंडा करी 25 रुपया। तो यहाँ पे अमीर भी लोग हैं, गरीब भी लोग हैं। जो अमीर है वो 40 रुपये वाला खाने के लिए आए हैं और जो गरीब आदमी वो 15 रुपये का खाने के लिए आए हैं, 15 रुपये में भर पेट खाना। आप क्या खाने आए हैं? हम तो अभी खाए हैं चिकन, बहुत चिकन। अच्छा। आप अमीर हैं? अमीर नहीं है, कल खाए थे दाल भात, दाल का बहुत पतला है, नमक भी नहीं बुझा रहा है कह रहे हैं। कल हमको तो इतना अच्छा नहीं लगा था, आज हम ट्राई करते हैं चिकन। जो लोगों के पास कम पैसे होते हैं
और बहुत स्टूडेंट भी हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो ये यहाँ पर आ करके 15 रुपये में खाना खा सकते हैं। 15 रुपये में क्या क्या मिलता है ये बताइए। 15 रुपये का तो सिगरेट और गुटखा आप लोग खा जाते हैं। हम लोग कुछ नहीं खाते। आप नहीं खाते? पानी नहीं मिलता है, एक बोतल नहीं मिलता 20 रुपये का। हाँ, आप 15 रुपये में बनाने के लिए गैस भी पूरा नहीं होगा। ये जो खाना जो बनाएंगे तो 15 रुपये में गैस भी नहीं पूरा होगा। 15 रुपये में लोगों को खाना मिल वो एक ठो जन सेवा है, सेवा है, लेकिन ज्यादा दिन तक चले तो वही मेन ये। हाँ, बहुत अच्छा मुद्दा बोले हैं। 2 महीना 3 महीना चले या बंद हो जाए तो कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? तो कहाँ जाएंगे, वो तो चलाए तो सब दिन के लिए चलावे, प्रचार प्रसार के लिए महीना 2 महीना चला के फिर धीरे 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 क्वालिटी इतना गिरा देगा कि बंद हो जाएगा अपने आप, फिर कोई खाने नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये इन्होंने सही कहा है कि अगर ये कंटिन्यू चलाए तब सही है, 1 महीना 2 महीने बाद बंद कर दिया जाए तो ये सही नहीं है। आप लोग चिकन खा रहे हैं? आप लोग चिकन? हाँ, स्टूडेंट है। बाहर तो 15 रुपये लिखा हुआ है, तो 40 रुपये वाला लिखा है तो 40 रुपये वाला खा रहे हैं। तो 40 रुपये का क्यों खा रहे हैं? आप लोग तो स्टूडेंट है ना, पैसा बचाना चाहिए ना। बचाना चाहिए पैसा, तो जितना लिखा हुआ उतना हम लोग खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है चिकन? लग रहा है। टोकन देखिए, यहाँ पे टोकन कट रहा है, आपको 15 वाला चाहिए, 25 वाला चाहिए या फिर आपको 40 वाला खाना चाहिए, ये आप आकर यहाँ पर खा करेंगे। अच्छा, किन के द्वारा चलाया जा रहा है ये? बहामा साहब के द्वारा। तो अच्छा चल रहा है, कब से चल रहा है 15 रुपये वाला? अभी 3-4 दिन हुआ है, हम लोग अभी एडजस्ट में है, खूब बढ़िया से चल रहा है, हम लोग सेवा कर। कल से सारा जो 40 वाला है, 25 वाला है, 15 वाला है, सारा कल से ही चल रहा है। तो अगर आपको भी जोरों का भूख लगा है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर 15 रुपये, 40 रुपये और 25 रुपये वाला खाने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। देखिए, पैसे का रेट बहुत कम है लेकिन खाना यहाँ पर बहुत अच्छा मिल रहा है। लोगों का कहना है कि बहुत सस्ता भी है, क्योंकि 15 रुपये में पटना में कहीं और खाना नहीं मिलने वाला है। तो आप भी आएँ इस खाने का लुत्फ़। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहें आर्यन न्यूज़ के साथ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें ऐसे ही फॉलो करते रहें।